नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जो है हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉय का। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको इसके पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था कि जो टॉयज़ होते हैं ना वो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से जो है डिवाइड मतलब किए जाते हैं। तो ये जो टॉय है वो जो मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1 साल 2 साल के बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको इस तरीके के बेसिक टॉयज से खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो ये जो है रत्ना टॉयज की तरफ से हम्प्टी डम्प्टी स्पिनर है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्नेस्ट क्रिएट सब उसके बारे में लिखा है। तो बच्चा जो इसको कैसे खेल सकता है, तो ऐसे पकड़ के जो है ये जो इसके अंदर चक्कर है वो घुमाएगा और उससे मज़े लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले इज एसेंशियल फॉर बेबीज, दिस टू हेल्प टू हेल्प्स इन डेवलप मोटर इमोशनल एंड कॉग्निटिव स्किल्स, एन एक्सीलेंट क्वालिटी टॉय ब्रांड बाउंड फॉर बेटर टुमोरो। इससे जो है हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो भी बढ़ेगा, फाइन मोटर स्किल्स बढ़ेगी, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस जो है बच्चों के अंदर बढ़ेगा। तो इसकी जो है प्राइस 209 रुपये है। ये आपको ऑनलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा, लोकल मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रत्ना टॉयज़ जो है मुंबई बेस्ड कंपनी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉयज़ जो है ये बनाती है। इनकी वेबसाइट भी है premratnatoys.com है। तो चलिए इसको जो है ज़्यादा देर ना लगाते हुए खोल लेते हैं। तो इसकी जो है बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इन केस अगर आपको ये कहीं पे नहीं मिल पा रहा है और आप चाहते हैं कि इसको ख़रीदना ही है किसी भी तरीके से, तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं ये ब्रांड न्यू प्रोडक्ट जो है आपको भेज दूंगा। बट आपको जो है एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है डिलीवरी चार्जेस भी आपको ही पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इतना आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो इसके अंदर जो है रेटल्स भी है जिससे कि बच्चे जो है उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बच्चे क्या करेंगे कि वे ऐसे करेंगे, फिर इसे घुमाएंगे, फिर इसको ऐसे घुमा देंगे और फिर जो है ऐसे खेलेंगे, एक एक को नीचे लाएंगे इस तरीके से, फिर से इसको घुमा देंगे, फिर इस तरीके से जो है खेलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब बच्चों को जो है मज़ा तो फूल आने वाला है। और मतलब आपको पता ही होगा कि बच्चे जो है रोते रहते हैं, बट जब आप उसको कुछ मतलब रोने के अलग अलग मीनिंग होते हैं, वो उनकी लैंग्वेज है क्योंकि अभी उनको बोलना नहीं आता है, तो वो कैसे बताएं कि उनको भूख लगी है या तो उनका नैपी बदलना है या तो फिर उनको अटेंशन चाहिए, उसको जो है कुछ खेलने वाला चाहिए। तो उसके लिए जो है रोना ही जो है एक भाषा है। तो जैसे कि इनकेस अगर बच्चा रो रहा है और आप कोई खिलौना वहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले जो है कुछ टॉयज दिखाए थे रोली पोली करके, या तो फिर रेटल टॉयज़ कोई भी है, या तो म्यूजिकल टॉयज़ जो है उसको आप चालू करते हैं और आपका बच्चा जो है उसको उसका रोना बंद हो जाता है, तो समझ लीजिए कि उनको बेसिकली खेलना है या तो अटेंशन चाहिए। तो वो एक पर्पज़ होता है बच्चों का रोने का। तो इसके बेस पे तो मतलब पूरे कोई बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स हैं कि पे बच्चे जो है वो क्या उसको कैसे ग्रो करना चाहिए, किस तरीके से प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चों का डेवलपमेंट करना चाहिए, माँ को किस तरीके का खाना खाना चाहिए, किस टाइप की एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, बच्चा जब रोता है तो उसके क्या मीनिंग होते हैं, उसको कौन से टाइम पे क्या खाना खिलाना चाहिए, किस किस तरीके की बीमारियाँ बच्चों को होती है, क्या उसको जो है दवाइयाँ देनी चाहिए, ये सब जो है बेसिक्स के काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी रहते हैं, तो उसको उसके थ्रू भी जो है आप गाइडेंस थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये वीडियो पे जो है 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स आते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है उसकी होलसेल प्राइस को मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में रिवील कर दूंगा। वैसे वो प्राइस में ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी नहीं, मेरे पास से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सबको जो है पैसा कमाना है और फ्री में कोई सेवा तो करेगा नहीं। बट आपके खाली नॉलेज के लिए मैं इसकी प्राइस को जो है रिवील कर दूंगा। और उसके अलावा जो है यहाँ पे अगर ये चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो यहाँ पे ये चैनल पे जितने भी इस तरीके के प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग के वीडियोस है सबकी मैं होलसेल प्राइस को जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में रिवील कर दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम एक सोशल इनिशिएटिव जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे पहली तो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आज के समय में जो है आपको पता ही होगा कि बच्चों के स्कूल जो है बंद है और लॉकडाउन हुए आई थिंक 4-5 महीने ऊपर हो गए हैं, तो बच्चे जो है कंटिन्यूसली नए नए खिलौने मांग रहे हैं। हमारी शॉप से भी एवरी डे बहुत सारे बच्चे खिलौने लेके जा रहे हैं क्योंकि उनका टाइम पास नहीं हो पा रहा है घर पे, वो पूरा दिन क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे आपके घर पे भी बहुत सारे खिलौने जो है जमा हो गए होंगे, वेस्ट खिलौने या तो यूज्ड खिलौने। तो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ आप उसका क्या करते हैं, क्या आप उसको जो है भंगार में दे देते हैं, या तो फिर आप उसको जो है कचरे में जाने देते हैं, या तो फिर आप उसको किसी को डोनेट कर रहे हैं, क्या करते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके अलावा यहाँ पे हम मोटिवेट करना चाहते हैं पेरेंट्स को कि अगर पॉसिबल है
तो आप जो है ये खिलौनों को झोपड़पट्टी में जाके डोनेट करें, या तो फिर आप उसको जो है डोनेट कर सकते हैं ऑर्फन एज में, या तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के जो बच्चे होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, उनको आप डोनेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनको जो है हैप्पीनेस भी मिलेगी और आपको भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कंपेरेटिवली। और आपके जो खिलौने हैं जो कि काफ़ी महंगे रहते हैं, तो आप चाहे तो उनको OLX या तो फेसबुक पे सेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं उनको आप ऑर्फनेज में या तो उस तरीके की जगह जो है डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि कार हो गया या तो ऐसा कोई छोटे छोटे खिलौने होते हैं ना। दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं उनको मोटिवेट करें, यूट्यूब पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि भाई जैसे कि रिमोट वाली कार है थोड़ी बहुत टूट गई है, तो उसको उसके अंदर का जो मटेरियल होता है उनकी सर्किट होती है रिमोट की, तो उससे जो है आप आपके बच्चे जो है किस तरीके से नया खिलौना खुद से बना सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को उस चीज़ के लिए भी मोटिवेट करें कि भाई चलो भाई यूट्यूब से सर्च करो कि भाई किस तरीके से जो है आप टूटे फूटे खिलौने जो है उससे नए खिलौने बना सकते हो, या तो फिर वेस्ट मटेरियल घर पे जो पड़ा है उससे नए खिलौने बना सकते हो। तो मैंने भी इसका एक छोटा सा प्लेलिस्ट बनाया है, तो वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख के आप अपने बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करके उनको इस तरीके के खिलौने बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ, हैव ए नाइस डे।